channel, and I hope you guys are doing well. I know you guys must be wondering कि एकदम से मैं क्यों कैमरे के सामने आ गई हूँ, क्या बात करनी है या क्या बोलना चाह रही हूँ. तो आई नो कि अब थोड़ी सी अपनी फैमिली बड़ी हो गई है यूट्यूब की, तो मैंने कुछ चीज़ें सोची है, मैंने कुछ प्लानिंग करी है यूट्यूब चैनल को लेकर. तो मैंने सोचा कि ये चीज़ आपको भी बताई जाए. तो दो चीज़ें सोची है. द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि अब मैं वीक में 2 बार वीडियो चैनल पे दूंगी, ठीक है. और 2 बार से मतलब है ट्यूसडे एंड फ्राइडे. तो जो ट्यूसडे को वीडियो आएगी वो आएगी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, और जो फ्राइडे को वीडियो आएगी वो होगी व्लॉगिंग से रिलेटेड, या व्लॉगिंग के साथ साथ आपके क्वेश्चंस के भी आंसर दूंगी मैं. तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो #question करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ लेना. आई नो इसके पहले तक अभी जो मैंने रिसेंटली जो वीडियो बनाया है और एक दो वीडियोस पे और भी YouTube ने कमेंट सेक्शन को मतलब क्लोज कर दिया और कमेंट्स हो ही नहीं पा रहे थे. तो यार उसमें मेरी गलती नहीं है, वो YouTube ने खुद से बंद करा है. अब मैं चाहूँगी भगवान प्लीज़ इस वीडियो पर YouTube मेरा ना बंद करे कमेंट सेक्शन, ठीक है. तो आप इस वीडियो के नीचे #question करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं. आज मैं क्या करती हूँ नॉर्मली सुबह उठकर, मैं ये बताऊँगी. मतलब अभी लॉकडाउन में मैं क्या कर रही हूँ सुबह उठकर, ऐसे तो कॉलेज जाना रहता है. लॉकडाउन में सबसे उठते से मुझसे कराया जाता है प्राणायाम या योगा. अभी रिसेंटली जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने बोला था कि कितने काम रहते हैं, लड़कियों को पता भी है कि सुबह उठते से योगा करो एंड ऑल. वो सच में मुझसे काम कराया जाता है, ठीक है. सुबह 8 बजे से सुबह उठते से बाबा मुझसे योगा करवाते. इंडिया टीवी पर बाबा रामदेव का 8 बजे जो योगा आता है, साथ साथ, ठीक है. तो चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट थिंग जो मैं करती हूँ रूटीन में जो है, बाबा रामदेव का योगा देखते हो तो उन्होंने एक चैलेंज दिया था, दिस वन. और मैं उस टाइम वीडियो नहीं डाल पाई थी, तो अब चलो आप लोगों के सामने करके बता देती हूँ. योगा करने के बाद या प्राणायाम करने के बाद सबसे तेजी से लगती है भूख. एंड आई नो कि अब फ्रिज में कुछ भी नहीं बचा है, लॉकडाउन के टाइम कुछ नहीं मिल रहा है, बट स्टिल अभी कुछ 2-4 दिन पहले हमारे यहाँ सामने अंकल ने आम बुलवाए थे और अभी मेरे पास आम का ऑप्शन है. ये आम दिख रहा है, ये आधा आम दिया गया है स्टारली को, ठीक है, मेरे आम में से. किसी को ऐसा लगता है ना कि सामने पुलिस थाना होने से या घर के सामने होने से काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी रहती है. सच बात बताऊँ, ये हमारे घर के जस्ट सामने पुलिस थाना. जब कभी कर्फ्यू या लॉकडाउन बोल सकते हैं कि शुरुआत होती है, तो किसी को भी निकलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि सामने है पुलिस थाना. और कोई सब्जी वाला आता है या दूध बेचने वाला आता है या कोई भी आता है, उसको अलाउ नहीं किया जाता है. हमने करीबन लाइक 25-30 डेज तो सब्जी नहीं देखी थी, क्योंकि सब्जी वालों को अलाउ नहीं किया जाता था. सामने से अगर निकल के जाता यहाँ से पकड़ा जाता, यहाँ से अगर निकल के जाता वहाँ से पकड़ा जाता, कैसे वहाँ से भी निकल के जाता तो पकड़ा जाता. सोकर उठी हूँ और अब मैं सोच रही हूँ कि कोल्ड कॉफ़ी बना ली जाए. कॉफ़ी के अलावा कुछ और सूझ नहीं रहा है, थोड़ा आलस भी दूर होगा. और मुझे पता है पापा मुझे नहीं बनाने देंगे. ठंडा मत खाओ, ठंडा नहीं खाते कोरोना में. चलो थोड़ी कॉफ़ी बनाई जाए. तो अपन चलते हैं ऋषा के पास, देखते हैं ऋषा क्या कर रही है. थोड़ा बहुत उसके पास घूम फिर कर आते हैं, फिर आकर पोहे खाना है. मम्मी पोहे बना रही है.
इंदौर के हो और पोहे घर पर नहीं बनते तो ये बहुत मतलब यू नो इंदौरियों को लगता है क्या इंदौरी हो तुम, पोहे नहीं खाते हो। इन केस इफ यू गाइस डोंट नो हु इज रिशा, शी इज रिशा। गुड मॉर्निंग बेबी, हाय। मी बैक रिशा के घर से और अभी बज रही है 7:15 और अभी मेरा स्टाइली रेडी है मेरे साथ मस्ती करने को, बस मुझे खाने हैं पोहे और मेरे पोहे भी रेडी हैं, उसके बाद मैं करूंगी स्टाइली के साथ मस्ती, है ना स्टाइली? हाँ मारूंगी स्टाइली, बाल खींच रहा है यार। अब आज के लिए चलो इतना ही, आज का यही मैं व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। Hope you guys enjoyed the video and if you enjoyed it, give us a big thumbs up and subscribe to my channel. Bye. Bye, Gullu Starling.